क्या आप 30,000 के अंदर बेस्ट गेमिंग मोबाइल खोज रहे हैं? प्लीज शुरू कर लेते हैं वीडियो। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो तीसरा नंबर पे जो रखे हैं वो है रेडमी K50i। कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें LCD डिस्प्ले दिया गया है, 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले है। ऑब्वियसली ये गेमिंग सेंट्रिक ही है। मेन कैमरा 64 MP का, दूसरा 8 MP का और तीसरा 2 MP का। फ्रंट में 16 MP कैमरा दिया गया है। रियर कैमरा से 4K वीडियो 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा से 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 3.5 ऑडियो जैक भी दिया गया है जो कि गेमिंग में हेल्पफुल रहेगा। 5080mAh की बैटरी दी गई है और 67 वाट का इसमें फास्ट चार्जर दिया गया है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 चिपसेट दिया गया है। 5 टेक्नोलॉजी पर बना हुआ चिपसेट है। टाइप की बात करें तो FS3.1 दिया गया है। रैम टाइप आप देख सकते हैं। दूसरा नंबर पर जो रखे हैं वो है पोको F5। एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले है। कैमरा की बात कर लेते हो, मेन कैमरा 64 MP का, दूसरा 8 MP का, तीसरा 2 MP का। फ्रंट में 16 MP कैमरा दिया गया है। रियर कैमरा से 4K वीडियो 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा से 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 3.5 mm ऑडियो जैक भी दिया गया है जो गेमिंग में हेल्पफुल रहेगा। और 5000mAh की बैटरी और 67 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। इसमें प्रोसेसर की बात करें Qualcomm Snapdragon 7+Gen 2 चिपसेट दिया गया है। 4 नैनोमीटर बना हुआ चिपसेट है। और स्टोरेज टाइप की बात करें तो ये FS3.1 दिया गया। रैम टाइप देख सकते हैं। ऑब्वियसली ये गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। पहला नंबर जो मोबाइल रखे हैं उसका पहले स्पेसिफिकेशन में बता देता हूं, उसके बाद इसका नाम मैं बताऊंगा। एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले आता है। इसमें 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं दिया गया है, फिंगरप्रिंट डिस्प्ले के ऊपर ही मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बैटरी, 120 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। और कैमरा की बात करें तो मेन कैमरा 64 MP का, दूसरा और तीसरा 2 MP का कैमरा दिया। फ्रंट में 16 MP का कैमरा दिया गया है। रियर कैमरा से 4K वीडियो 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा से 1080p वीडियो 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 चिपसेट दिया गया है। 4 नैनोमीटर बना हुआ चिपसेट है, बहुत ही अच्छा चिपसेट है। स्टोरेज टाइप की बात करें तो FS3.1 दिया गया। ऑब्वियसली कह सकते हैं परफॉर्मेंस के लिए तगड़ा मोबाइल है। इसका नाम है IQOO New 7। तो अभी लेटेस्ट IQOO New 7 Pro भी लॉन्च हुआ। 30,000 के अंदर अगर प्रो वर्जन मिल जाता है तो इससे बेटर फीचर्स के साथ आएगा, वो आप खरीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।